आज की ये रोड जर्नी बहुत शानदार रहने वाली है। आज हम खजिहार से सच पास की ओर आगे बढ़ेंगे और चंबा होते हुए तीसा तक हम ये रोड जर्नी करने वाले हैं। 80 से 85 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आप मणिमहेश कैलाश दर्शन भी कर सकते हैं, वो पॉइंट आपको दिखाएंगे। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव, सभी शहरों को आपको दिखाएंगे और हिमाचल प्रदेश की कुछ अनछुई अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर आपको लेकर जाएंगे, तो वीडियो बहुत खास होने वाली है। हिमालय पर्वत की पीर पंजाल रेंज अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस रोड जर्नी की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। खजिहार से हमने चेकआउट कर दिया है और खजिहार का एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहा। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, खजिहार से सचपास की ओर अभी हम लोग निकल चुके हैं और करीब खजिहार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सामने आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये जगदम्बा मंदिर है और खजिहार की फेमस साइट सीन में से एक है। अगर आप खजिहार आते हैं तो जगदम्बा मंदिर दर्शन करने जरूर आइएगा। यहाँ से रास्ते की खूबसूरती देखिए आप, सामने का नज़ारा कितना शानदार है, अल्टीमेट व्यू। रोड बहुत नैरो है लेकिन रोड कंडीशन अच्छी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर ड्राइविंग करने में। नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत है। अभी आप देख रहे हैं कि हमने अपनी गाड़ी को रोका है क्योंकि सामने से एक कार आ रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड कितना नैरो है लेकिन अल्टीमेट व्यू है। खजिहार से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट आता है जहाँ से आप मणिमहेश कैलाश दर्शन कर सकते हैं। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। यहाँ से जो सामने आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, यही मणिमहेश कैलाश पर्वत है और मणिमहेश कैलाश पर्वत दर्शन के लिए यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ सामने से आप मणिमहेश कैलाश दर्शन कर सकते हैं। थोड़े बादल अभी ज़्यादा हैं तो उतना क्लियर व्यू नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ अगर इस रोड पर आते हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे भी आसानी से मणिमहेश कैलाश दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर पीछे लिखा हुआ भी था, एक पॉइंट बनाया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को कैलाश मणिमहेश दर्शन व्यू पॉइंट नाम दिया गया है। यहाँ कुछ फूड पॉइंट भी अवेलेबल हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से चंबा अभी रह गया है। रोड कंडीशन अभी हम देख रहे हैं कि उतना अच्छी नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर रोड खराब है तो कहीं पर अच्छा है। यहाँ देखिए आप नज़ारे सामने से। आज वेदर की बात करें तो वेदर आज ठीक है, धूप निकली हुई है लेकिन आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी आज ये मौसम नहीं है। खजिहार से जैसे हम आगे बढ़े हैं तो मैं व्यूज़ की अगर बात करूं तो खूबसूरती पहले के मुकाबले अब बढ़ चुकी है और जितना हम आगे जा रहे हैं उतने शानदार नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। पतला सा ये रोड है और उसके एक साइड में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये जितनी भी रेंज है ना हिमालय पर्वत की, ये पीर पंजाल रेंज कहलाती है और खूबसूरती लाजवाब है यहाँ भी। जैसे रोड हमें डलहौजी में या खजिहार में देखने के लिए मिल रहे थे, उससे उसके कंपैरिजन में काफ़ी नैरो रोड है और ड्राइविंग करना थोड़ा यहाँ पर टफ है।
सामने से व्यू देखिए आप, एकदम अल्टीमेट व्यू है। अभी हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, यहां से रोड अलग अलग डिवाइड हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। सामने वाला जो ये रोड है ये नूरपुर चिवाड़ी की ओर निकल जाएगा, और अगर यहाँ से हम नीचे की ओर यू टर्न लेते हैं तो ये रोड हमें चंबा और आगे सच पास तक लेकर जाएगा। यहाँ भी रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, पहाड़ों को काट काट कर रोड को चौड़ा करने के लिए यहाँ भी मुहिम जारी है। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ भी अच्छे और चौड़े रोड देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ अभी काम भी चल रहा है, तो रोड चौड़ीकरण से ट्रैफिक में तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी हम गजुनाही पहुँच चुके हैं, वैसे गजुनाही जो है ऑन रोड गांव नहीं है, ये ऊपर की ओर जो रास्ता जा रहा था गजनूही गांव तक लेकर जाएगा, यहाँ पर उसका बस स्टैंड मौजूद है। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, इस रास्ते पर हम अब तक जितना भी आए हैं ना, तो ऐसा कहीं नहीं लगा है कि आपको गाड़ी रोक के व्यू को एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी व्यूज़ हैं सारे देखने लायक हैं। आप गाड़ी से बैठे बैठे देख सकते हैं, और आप गाड़ी अगर रोकेंगे तो कहाँ कहाँ रोकेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, आप आराम से गाड़ी में बैठे बैठे धीरे धीरे चलते रहिए और इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते रहिए। अभी हम मंगला पहुंच चुके हैं, ये भी एक छोटा सा गांव है, और बहुत बड़ा गांव नहीं है लेकिन हिमाचल प्रदेश का बहुत खूबसूरत गांव है। मंगला से करीब 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही चंबा रह जाता है। चंबा हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है। अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, रोड पर कंस्ट्रक्शन जारी है, तो रोड कंडीशन अभी यहाँ पर ख़राब है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छे रोड यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप टूर प्लान करते हैं तो फिलहाल की कंडीशन चंबा तक के रास्तों की ऐसी है, लगातार काम यहाँ पर चल रहा है। वो सामने जो आप सिटी देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आबादी आपको दिखाई दे रही होगी, वही चंबा शहर है, उसी ओर अभी हम बढ़ रहे हैं। अगर आप चंबा आना चाहते हैं तो पठानकोट से डायरेक्ट एक रास्ता है जो चंबा तक आपको लेकर आएगा, आपको डलहौजी खजिहार आने की ज़रूरत नहीं है। साच पास अगर आप जाना चाहते हैं पठानकोट से डायरेक्ट, तो भी आपको डलहौजी या खजियार आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चंबा आइए और चंबा से आगे की ओर बढ़ जाइए। यहाँ भी रास्ता डाइवर्ट हो रहा है दो हिस्सों में, ऊपर वाला रास्ता सुल्तानपुर की ओर जाएगा और ये राइट वाला रास्ता मेन चंबा सिटी में, और आगे हमें तिस्सा और साच पास तक लेकर जाएगा। अभी हम उसी पर जा रहे हैं, हमने चंबा सिटी में तो एंट्री ले ली है, और ये है चंबा शहर। यहाँ पर आपको शॉपिंग से संबंधित बहुत बड़ा यहाँ मार्केट है, अगर आपको कुछ ख़रीदारी करनी है यहाँ से कर सकते हैं। स्टे के लिए भी बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस यहाँ मौजूद हैं, और फूड ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके पसंद का सारा खाना आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। और मैं मानता हूँ चंबा ही वो शहर है जहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा बड़ा शहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिलहाल हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है पेट्रोल पम्प के पास से, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चंबा का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 8 डिग्री तक हो रहता है, और मैक्सिमम ये 38 डिग्री तक चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक गर्म शहर है, और समुद्र तल से करीब 3,300 फीट की ऊंचाई पर है, तो कह सकते हैं कि मनाली के कंपैरिजन में लगभग आधी हाइट पर है, तो गर्मी होना तो यहाँ लाजमी है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ नहीं रहती है। लेकिन अगर चंबा ज़िले की बात करें तो बहुत बड़ा ज़िला है, और चंबा ज़िले के ही कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है, वो है साच पास। बहुत बड़ा शहर है, करीब 20,000 से ज़्यादा की यहाँ आबादी है, काफ़ी बड़ा मार्केट भी है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है वे पूरा शहर। यहाँ से जो गाड़ी रेड कलर की मुड़ी है, राइट टर्न जिसने लिया है, ये एक पुल है लोहे का, और पुराना पुल है ये, इसे बालू ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और एक नया ब्रिज भी बना दिया गया है उसे न्यू बालू ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हम न्यू वाले पुल से जाएंगे, आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर नीचे रावी नदी फ्लो कर रही है और उसके ऊपर बालू ब्रिज, इसको न्यू बालू ब्रिज बोला जाता है, इसी पर हम लोग जाने वाले हैं।
आप चाहें तो लोहे वाले पुल से निकल जाइए, आप चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। हम लोग न्यू पुल से निकल रहे हैं। ये पूरा शहर चंबा शहर है, रावी नदी यहाँ फ्लो कर रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अल्टीमेट यहाँ से हमें लेना होगा लेफ्ट टर्न, राइट टर्न हमें मेन सिटी चंबा में वापस ले जाएगा। लेफ्ट लेते हैं तो आगे हम साच पास तक पहुँच सकते हैं। आपको रावी नदी का एक खूबसूरत व्यू दिखाते हैं, ये देखिए कितना शानदार व्यू है, पूरे उफान पर है इस वक्त रावी नदी। चंबा में भी पेट्रोल पंप वगैरह अवेलेबल है, पेट्रोल का इश्यू आपको कोई नहीं होने वाला है चंबा तक। चंबा से इस या फिर कह लीजिए इस बालू ब्रिज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है पारेल। ये वही इलाका है, पारेल के आसपास का इलाका है, और पारेल से करीब 2-2.25 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गाँव आता है सारोल नाम का। इस वक्त हम पारेल में मौजूद हैं और यहाँ रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है, लग नहीं रहा है कि जैसे हिल एरिया में हैं हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी हम चंबा के आउटर इलाके पे हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, तो दोनों साइडों में मार्केट बना हुआ है, होटल्स बने हुए हैं और रोड भी काफ़ी डिसेंट है। इस वक्त हम सारोल में आ चुके हैं जो चंबा से करीब 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये वाला इलाका सारोल के बाद राजपुरा नाम का एक गांव है वो लग जाता है, मतलब पास पास में ही करीब 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही काफ़ी सारे गांव हैं और जो पूरी तरह से चंबा से कनेक्टेड है। आप कह सकते हैं कि चंबा से मार्केट के थ्रू ही ये रास्ता पूरी तरह से कनेक्टेड है, और राजपुरा में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प भी मौजूद है। राजपुरा से थोड़ा आगे हम लोग आए हैं और यहाँ से नज़ारे बहुत शानदार हो गए हैं। हमारे लेफ्ट साइड में एक काली माता का मंदिर मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये जो गांव है इस गांव का नाम है फुलगट, और करीब यहाँ से 2-2.25 किलोमीटर की दूरी पर कियाड़ी नाम का एक गांव आएगा, बहुत अल्टीमेट व्यू है। हम जो इस वीडियो में आपको गांव दिखा रहे हैं, जो शहर आपको दिखा रहे हैं, ये वो हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं, मतलब कह लीजिए कि लाखों में से कोई 1-2 ही लोग होते होंगे जो इन गांवों में विजिट करते हैं या इन रास्तों से होकर निकलते हैं। ये जो ऊपर की ओर रास्ता जा रहा था यही कियाड़ी गांव है, और बेहद अल्टीमेट व्यू, खूबसूरत सा रोड, ऊपर बसा हुआ है कियाड़ी गांव और सामने पीर पंजाल रेंज हिमालय पर्वत की देखकर वाकई में मन खुश हो रहा है। कियाड़ी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव आता है पुखारी। पुखारी और पुखरी दो अलग अलग गांव हैं जो लगभग आसपास में स्थित हैं, मैं बात कर रहा हूं पुखारी की। अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, रोड कंडीशन यहां बहुत लाजवाब हो चुकी है और ब्यूटी तो मैं क्या ही बताऊं आपको, लाजवाब नज़ारे हैं। यहाँ से ये व्यू देखिए आप, किस तरह से रोड ने यू टर्न लिया है और इन हिमालय पर्वत पर किस तरह से गाड़ी हमारी रन कर रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी हम पुखारी गांव की ओर बढ़ रहे हैं, हम सामने से देख पा रहे हैं कि पहाड़ों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, पहाड़ों की स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो चुकी है, और ये जो गांव है ये पुखारी गांव है, और जितने अभी हमने पीछे गांव देखे थे उनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा कस्बा है। टूरिस्ट के नज़रिए से यहाँ कुछ खास नहीं है, हमने यहाँ मालूम किया था गेस्ट हाउस या होटल्स वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ आपको स्टे के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जनरल फूड आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा, अगर आपको लंच वगैरह करना है तो वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। रुकने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा हमें आगे आना होगा, आगे किसी गांव में हम देखेंगे, अगर कोई फैसिलिटी होगी तो आपको बताते चलेंगे। ये ऊपर रास्ता देखिए किस तरह से कच्चा रास्ता बनाया गया है, इसी तरह के कुछ गांव रास्ते में देखने के लिए मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अभी हम मौजूद हैं।
जैसे जैसे हम आगे आए हैं तो वेदर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, मतलब जो फील हम चंबा में ले रहे थे उससे कुछ 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर लो हो चुका है। इस वक्त दोपहर के 12-12.5 बजे होंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रोड को चौड़ा करने का काम यहाँ भी जारी है, पहाड़ों को काट दिया गया है, सिर्फ रोड बनाना बाकी है। ये भी कोई गांव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मोबाइल नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे तो लगभग सारे काम कर रहे हैं, आइडिया भी काम कर रहा है, एयरटेल भी काम कर रहा है, जियो भी काम कर रहा है, तो मोबाइल नेटवर्क का इश्यू नहीं है। यहाँ देखिए आप, ये एक टी पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेते तो एक सूंडला नाम का गाँव है, उस ओर ये रास्ता जाता है। हमने राइट टर्न लिया है, हम आगे तिस्सा तक पहुँचेंगे और आगे सच पास जाएंगे। कितना खूबसूरत रास्ता है, अल्टीमेट व्यू है। यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे करीब 10 किलोमीटर के आसपास तो दूसरा गांव आता है कलहल नाम का, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये नज़ारे देखिए आप, बहुत शानदार। गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी जगह हैं सारे व्यू पॉइंट हैं, बहुत लाजवाब पॉइंट है। लेकिन रोड नैरो है, उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत संभल के ड्राइविंग करनी पड़ रही है और इसीलिए हम जगह जगह गाड़ी बार बार नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम लगने की संभावना रहती है। चलिए अभी गाड़ी रोकते हैं और आपको यहां से कुछ नज़ारे दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और जितने हम आगे निकल रहे हैं उतनी खूबसूरती बढ़ रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज हमारी जो रोड ट्रिप रहेगी करीब 80 से 85 किलोमीटर रहने वाली है, तो लगभग हम आधे से ज़्यादा जर्नी पूरी कर भी चुके हैं। ब्यूटी देखिए अब इन रास्तों की, सब कुछ नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसको बनाया है। साइड में जिस तरह से पौधे लगे हुए हैं, घास उगी हुई है, देखकर लगता है कि जैसे मैन्युअली लोगों ने इसको बनाया है, लेकिन सब नेचुरल है। करीब यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास जिस गांव के बारे में आपको बता रहा था कलहल, वो आने वाला है। अल्टीमेट व्यू, कैसे लग रहे हैं आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करता हूँ मैं आप लोगों के और सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। अब ये व्यू एंजॉय कीजिए आप, कितना खूबसूरत रोड है। लाजवाब रोड, नैरो रोड है लेकिन ड्राइविंग करने में भी मज़ा आ रहा है। व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं, टेम्परेचर भी अब जितना आगे जा रहे हैं लो होता जा रहा है, और हिमालय पर्वत की इस पीर पंजाल रेंज में घूमने का जो मज़ा है ना, वो अल्टीमेट है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ अभी हम चल रहे हैं, कितनी खूबसूरत जगह है ये। सामने से यह नज़ारा देखिए आप, किस तरह से रोड पूरे पहाड़ों को कवर करता हुआ सामने उस ये रास्ता जा रहा है। अभी हम उसी रोड पर पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरह से हमें यू टर्न लेना होगा पूरी पहाड़ी पर घूमते हुए। बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब। यह है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती, हिमालय पर्वत की खूबसूरती, पीर पंजाल रेंज की खूबसूरती। कलहल गांव के आसपास हम लोग पहुँचने वाले हैं और सामने ये जो गाँव आप देख रहे हैं ये कलहल गाँव है, और सीधा जो रास्ता जा रहा है ये एक दूसरे गाँव की ओर निकल जाता है, लेकिन हमें मेन रोड पर ही रहना है। नीचे एक नदी फ्लो कर रही है और बहुत अल्टीमेट अल्टीमेट नज़ारे। ये रोड ट्रिप हमारी वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप में से एक अभी तक की रही और आगे भी रहने वाली है, उम्मीद करता हूँ। तो आप भी शायद इन्जॉय कर पा रहे होंगे घर बैठे। ये वीडियो थोड़ा बड़ी रहने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।
और ये नज़ारा देखिए आप, इस व्यू को एंजॉय कीजिए आप। मतलब कहाँ कहाँ आप गाड़ी रोकोगे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ गाड़ी रोकूँ और आपको व्यू दिखाऊँ, क्योंकि सारे रास्ते इतने खूबसूरत हैं और रोड थोड़ा नैरो होने की वजह से हम गाड़ी ज़्यादा नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत अल्टीमेट नज़ारे। रास्ते में आपको फूड फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, नॉर्मल फूड आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा, और स्टे से संबंधित ऑप्शंस रास्ते में कुछ कम है। चंबा के बाद आपको स्टे के लिए तिस्सा ही आना होगा, और क्योंकि वहीं कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चंबा से तिस्सा की दूरी करीब 60 किलोमीटर के आसपास होगी, वहाँ तक आपको आना होगा। ये व्यू देखिए आप, वो सामने गाड़ी चल रही है और रास्ता पूरी तरह से अपहिल है, यानी चढ़ाई है, और पहाड़ों की स्ट्रक्चर पूरी डायनामिक्स जो है चेंज हो चुके हैं। जो पहाड़ हम पीछे देख रहे थे खजिहार के आसपास, उनसे पूरी तरह से डिफरेंट है। कहीं कहीं पर रोड टूटा हुआ है, तो कहीं कहीं पर इतना लाजवाब, इतना शानदार रोड है, मिला जुला सर है, लेकिन व्यूज़ डलहौजी के कंपैरिजन में बहुत ऊपर हैं, खजिहार के कंपैरिजन में भी बहुत ऊपर, अच्छे शानदार व्यूज़ हम देख पा रहे हैं। वैसे कंपेयर करना तो गलत होगा, बट काफ़ी आगे हम आ चुके हैं अभी चंबा से, तो जहाँ नज़ारे लाजवाब हैं। कुछ इस तरह के छोटे छोटे गांव भी रास्ते में देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी एक गांव मौजूद है और जनरल स्टोर्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं, अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं। मेडिकल शॉप्स भी जगह जगह हमने देखा था गाँवों में मौजूद थी, मतलब बेसिक मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप देखिए, आप रोड कितना नैरो है, सामने बस आ गई है, वापस हमें गाड़ी को बैक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि बस के दोनों साइड में एक बाइक को निकलने के लिए भी स्पेस नहीं है, कितना नैरो रोड है। तो ड्राइविंग करते वक्त तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जितना अब हम आगे जाने वाले हैं ना, रोड कंडीशन भी ख़राब होगी, रोड नैरो भी होंगे और बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड हो जाएंगे। जब हम तिस्सा के आसपास पहुंचेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, फिलहाल ये व्यू देखिए आप सामने से। पुल बना हुआ है, उसी पुल पर हम लोग पहुंचेंगे। चलिए एक काम करते हैं, रोककर आपको ये व्यू दिखाते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, गाड़ी साइड में रोकते हैं और फिर आपको यहाँ से कुछ व्यूज दिखाते हैं। अभी ना सच पास की ओर जा रहे हैं और रास्ते में एक पुल पे रुके हुए हैं, बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है यहाँ से। नदी देखिए कितना तेज रफ्तार से बह रही है, बहुत ज़बरदस्त फ्लो है नदी का, और अभी तक का टूर तो बहुत एडवेंचरस रहा है, आगे भी होप करते हैं अच्छा रहेगा। देखते हैं आगे कितना दूर तक अभी हम जा पाते हैं, फिलहाल जो नज़ारे हैं वो देखिए आप, गजब वाले। ये देखिए किस तरह से नदी फ्लो कर रही है, बहुत तेज़ है नदी का फ्लो, समय बहुत तेज़ है, पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। उसी पुल पर अभी हम लोग खड़े हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, बहुत शानदार नज़ारे हैं, कितना तेज़ फ्लो है नदी का। इधर से हम लोग आए थे, वहाँ हमारे सामने सेंट्रो खड़ी हुई है, और इधर दोस्त लोग हैं, बहुत लाजवाब नज़ारे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और कोई खूबसूरत जगह मिलेगी तो रुककर आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो रहा है सुरांगनी गांव के लिए, जो लेफ्ट हैंड पर नीचे की ओर जा रहा था, और हम मेन रोड से ही आगे आ गए हैं। वैसे इस पॉइंट का नाम है, ये जो जगह थी इस जगह का नाम है बढ़ो, और यहाँ पे हमने पूछा था कि जनरल स्टोर पर, इस जगह का नाम बढ़ो है,
बहुत डिफरेंट व्यूज हम यहाँ से देख पा रहे हैं, बहुत अलग व्यू। अब शाम हो चुकी है, सूरज अब ढलने के कगार पर है, तो हमें जल्दी से अभी तिस्सा पहुँचना होगा अंधेरा होने से पहले। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी रोड को बनाया जा रहा है, नए सिरे से कंक्रीट रोड बनाया जा रहा है, तो कुछ सालों में या कुछ महीनों में वो अच्छे रोड देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत व्यू। बिजली कनेक्टिविटी देखिए कितनी शानदार है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। बड़े बड़े टावरों के थ्रू बिजली को एक गाँव से दूसरे गाँव में पहुँचाया जा रहा है, लाजवाब। इस वक्त हम पहुँचे हैं चिल्ली गांव में, और ये है चिल्ली गांव, छोटा सा गांव है। कुछ खाने के लिए ढाबे वगैरह यहाँ मौजूद हैं, जनरल स्टोर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमने मालूम किया अभी स्टे के लिए यहाँ कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इन लोगों ने हमें बताया कि चिल्ली गांव से थोड़ा आगे यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर ही करीब तिस्सा आ जाएगा, वहाँ आपको होटल्स मिल जाएंगे। चलिए अभी उसी ओर बढ़ते हैं। गाँव में भी सड़क मैं देख रहा हूँ कि उतनी अच्छी नहीं है, कारण ये है बारिश और स्नोफॉल यहाँ हो जाता है, जिस कारण से रोड टूटता रहता है। ये पूरा है चिल्ली गांव। मतलब व्यू इतना शानदार है यहाँ से, एक साइड में ये गांव बसा हुआ है, यानी इन गांव में इनकी घरों की छत से बालकनी से जो ये व्यू देखते होंगे सामने का, पीर पंजाल रेंज का, इन पहाड़ों का, हिमालय पर्वत का, कितना शानदार नज़ारा देखने को मिलता होगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से व्यू देख रहे हैं आप लोग, मौसम तो क्लियर है और हमें दूर दूर तक पहाड़ देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बिल्डिंग के ठीक पीछे से बहुत खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत का, अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में तो बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ आ गया एक छोटा सा लोहे का पुल, और इस पुल को तिस्सा पुल ही बोला जाता है वैसे तो, यानी कि हम तिस्सा पुल के बाद तिस्सा में एंट्री ले लेंगे। यहाँ है हनुमान मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तिस्सा के लगभग हम करीब पहुँच चुके हैं। और तिस्सा के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा शहर है, बेसिकली गांव ही है, शहर नहीं कहेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का ये उपमंडल है, तो यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग लगभग तिस्सा में पहुंचने ही वाले हैं। तिस्सा आपको दिखाएंगे कितना बड़ा गांव है, कितना बड़ा कस्बा है, और यहां हमें स्टे भी करना है। तिस्सा हम रुकेंगे या तिस्सा से आगे निकलेंगे वो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल तो नज़ारा देखिए आप सामने से। रोड यहाँ भी बहुत नैरो है, मतलब सामने से अगर गाड़ी आती है तो रुकना ही पड़ता है, या तो वो लोग पहले निकलें या फिर वो रुकें तो हम पहले निकलें। तो हम तो पहले उन्हीं को वरीयता दे देते हैं, भैया आप लोग पहले निकल जाइए, हम आपके बाद निकल जाएंगे। तो रोड काफ़ी नैरो है यहाँ भी। ये आ चुका है तिस्सा, बहुत बड़ा शहर तो नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, और कुछ टूरिस्ट लोगों की भी गाड़ियां हैं यहाँ पर। चलिए रोक कर मालूम करके आते हैं कि यहाँ पर आसपास में कोई रिजॉर्ट, होटल या गेस्ट हाउस अवेलेबल है या नहीं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने मालूम किया था कि आगे एक ओयो का होटल है, आप वहाँ चले जाइए। इसके अलावा दूसरे कुछ गेस्ट हाउस के नाम भी उन्होंने बताए थे, देखते हैं आगे क्या क्या है। वैसे गांव उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तिस्सा जैसे उपमंडल है तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है,
बिखरा हुआ है, मतलब आबादी यहाँ बिखरी हुई है। कुछ घर एक साइड में बने हुए हैं तो कुछ घर थोड़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं, तो बिखरी हुई आबादी है, ठीक ठाक गाँव है। हम अभी तिस्सा से भी आगे निकल चुके हैं, देखते हैं आगे क्या देखने के लिए मिलता है, कौन से होटल देखने के लिए मिलते हैं। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ कितना कितना डिस्टेंस रह बाकी अभी रह गया है। यहाँ से बैरागढ़ रह है करीब 29 किलोमीटर और सच पास यहाँ से रह जाता है 62 किलोमीटर और किल्लर यहाँ से रह गया है अभी 98 किलोमीटर के आसपास और इसके अलावा कैलोंग 141 और लेह यहाँ से करीब 599 किलोमीटर है, तो सही है। वैसे इस रास्ते के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आर्मी के लिए ना बहुत फेमस और बहुत ज़रूरी रास्ता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे। फ़िलहाल हमें ओयो का एक होटल देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ हम बुकिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि होटल फ़िलहाल बंद भी है और ये होटल ओयो पर लिस्टेड भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर आपको दिखाएंगे नज़ारे, देखिए आपके पहले गाँव से आसपास के, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ होटल्स वगैरह मिलते हैं या नहीं। रोड तो यहाँ बहुत ख़राब है, अब काफ़ी ज़्यादा लाइट भी कम हो गई है, दिन लगभग छिपने वाला है, तो समय रहते ही हमें होटल लेना होगा। देख रहे हो आप ये रोड कंडीशन, पूरी तरह से डैमेज है, पूरी तरह से ऑफ रोड है। जो भी है सच पास तक हम जाएंगे, पूरा रोड दिखाएंगे, सारे नज़ारे दिखाएंगे, खूबसूरती यहाँ के दिखाएंगे। बहुत सुना है सच पास के बारे में, शायद आप लोग भी जानते होंगे, चुनिंदा लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। रोड कंडीशन ऐसी है, क्लाइमेट ऐसा है, वेदर ऐसा रहता है, हाई एलिवेशन होने के कारण लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। सबसे है वहाँ के डेंजरस रोड, भारत के सबसे ख़तरनाक रास्ता है सच पास का, वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आज रात का स्टे हमें यहीं कहीं करना होगा, तो तिस्सा से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया था कि कुछ होटल्स वहाँ आपको मिल जाएंगे, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। और हिमाचल टूरिज़्म का एक गेस्ट हाउस भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। ऑन रोड है या नहीं वो भी देखने वाली बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑन रोड ही हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए आप, मतलब सामने से जब वो एम्बुलेंस आई है तो हमारी कार का टायर कितना ज़्यादा रोड के एक किनारे खाई की तरफ चला गया था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड बहुत नैरो है और रोड कंडीशन ख़राब होने के कारण काफ़ी केयरफुली हमें यहाँ ड्राइव करना पड़ रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है सच पास की, यहाँ आ गया है एक कट और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ से जो लेफ्ट हैंड पर नीचे रास्ता जा रहा है ये उसी गेस्ट हाउस तक जाएगा, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितना आगे हम सच पास वाले रोड पर निकल जाएं उतना बढ़िया है, क्योंकि सच पास यहाँ से रह गया है करीब 7 किलोमीटर और बैरागढ़ रह गया 28 किलोमीटर। बैरागढ़ तो अभी नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और रात में हम ड्राइविंग नहीं करने वाले हैं। चलिए फिलहाल सच पास वाले रोड पर ही चलते हैं और देखते हैं कि आगे कोई होटल मिलता है या नहीं। प्री बुकिंग यहाँ होती ही नहीं है, तो प्री बुकिंग करने का कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है नहीं, तो ऑन द स्पॉट ही आके सब कुछ करना पड़ता है। तो कोशिश हमारी रहती है कि दिन में पहुँच जाएँ, लेकिन आज थोड़ा दिन छिप चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, अभी करीब 7 के आसपास बजे हैं, अभी हम पहुँचे हैं तिराहे पर। अच्छा, इस जगह के बारे में मैं जानता हूँ, ये जगह बहुत ख़ास रहने वाली है। यहाँ से एक रास्ता जो सीधा जा रहा है ये तो सच पास तक निकल जाएगा, और यहाँ से जो रोड एक राइट हैंड पर जा रहा है ये रोड बहुत सही है। इस रोड पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, मैं पहले एक बार जब आया था, मुझे याद आ रहा है करीब आज से 7 या 8 साल पहले मैं आया था, और यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ एक होटल है और उसी होटल में हम लोग रूम लेंगे। चलते हैं यहाँ से ले लिया हमने राइट टर्न और करीब मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर ही होटल आ जाएगा, और उसके थोड़ा आगे ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो अगर आपको पेट्रोल का इश्यू होता है सच पास जाते वक्त, तो आप
इस पॉइंट पर आ जाइएगा, तिस्सा से थोड़ा ही आगे है और यहाँ से राइट टर्न लेना होता है, वहाँ पर पेट्रोल पंप मौजूद है, वहाँ से पेट्रोल फिल कराइए और वापस आ जाइए। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं, वो सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी रेड कलर की, यही होटल है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं और नाइट स्टे आज यहीं करेंगे, कल फिर निकलेंगे यहाँ से आगे सच पास की ओर। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है तो एंड करना पड़ेगा। आपको यहाँ से व्यू दिखा देते हैं, हमारे होटल के बाहर से एक व्यू आप देख लीजिए पहले, ये देखिए अल्टीमेट व्यू, और ये हैं इधर रूम बने हुए। तो यहाँ हम दो रूम बुक करते हैं और आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे आगे सच पास जाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, पढ़ता हूँ, कोई क्वेश्चन होता है तो जवाब भी देता हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे की जर्नी देखने के लिए मिलेगी, जहाँ हम जाएंगे भारत के सबसे खतरनाक रास्तों पर, जी हाँ सच पास। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।